नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। बड़े दिन के बाद आया हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ जो टॉपिक हमारे इतिहास में इतना शायद मशहूर नहीं है, या कह सकते हैं कि हम लोग जिस तरह का इतिहास पढ़ते हैं उसमें इसको वो तवज्जो नहीं दी गई है जितनी देनी चाहिए थी। हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रॉयल नेवी म्यूटिनी 1946 के बारे में। तो बिना समय व्यर्थ किए निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, निकल पड़ते हैं। दोस्तों, दिन था 18 फरवरी 1946 का। रॉयल इंडियन नेवी के 9 सैनिकों ने तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। जो रॉयल इंडियन नेवी में जो इंडियंस थे उन्होंने उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर दी। कारण जानते हैं और इसे भारतीय इतिहास में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी या बॉम्बे म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है। बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में एक नेवी ऑफिसर थे जो इस रॉयल म्यूटिनी का हिस्सा थे। आइए मैं आपको उनके हवाले से समझाता हूँ कि ये जो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुई थी उसके पीछे का कारण क्या था, क्योंकि जो साक्षी है उससे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं बता सकता। ये जो सज्जन आपको नज़र आ रहे हैं ये इनका नाम है बीबी मुतप्पा और ये 1946 के इंडियन रॉयल नेवी म्यूटिनी के हिस्सा थे। ये बीबीसी को बताते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि हम में से कई छुपकर मुंबई के अलग अलग इलाकों में जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं के भाषण सुनने जाया करते थे। मुझ पर महात्मा गांधी का खास प्रभाव था। मैं रॉयल नेवी में नाव का काम कर रहा था लेकिन विदेशी हुकूमत की नीतियों का मैं सख्त विरोध करता था। आगे ये बताते हैं, भारतीय और एंग्लो इंडियंस के बीच वेतन में भेदभाव को लेकर यह विद्रोह शुरू हुआ था। असल में जो रॉयल इंडियन नेवी थी उसमें भारतीय भी काम करते थे और एंग्लो इंडियन भी काम करते थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारतीयों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता था वो नागवार गुजरा भारतीयों को, क्योंकि एंग्लो इंडियन को अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता था और भारतीयों को बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। ये बात बर्दाश्त से परे हो गई। ये बताते हैं कि भारतीय नाविकों को 16 रुपये प्रति माह मिलती थी जबकि एंग्लो इंडियन नाविकों को 60 रुपये पगार मिलती थी प्रति माह। आप समझ सकते हैं 44 रुपये का अंतर, मतलब पोजीशन एक, डेजिग्नेशन एक, लेकिन सैलरी में इतना बड़ा अंतर। और यही सबसे बड़ा कारण था रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946 का। ये आगे बताते हैं, एक दिन हम सब 127 नाविकों ने नाश्ते से मना कर दिया क्योंकि भारतीयों को जो नाश्ता मिलता था वो भी ढंग का नहीं मिलता था एज कम्पेयर टू एंग्लो इंडियन। फिर हमें गिरफ्तार कर यरवदा के जेल में कुछ महीने रखा गया और वहाँ भी हमारे खिलाफ भेदभाव की नीति अपनाई गई, मतलब जेल के बाहर भी भेदभाव और जेल के अंदर भी भेदभाव। आगे ये बताते हैं, उसके बाद हमारे वेतन बढ़ाए गए, जब इन लोगों ने विद्रोह किया तो इनके वेतन बढ़ा दिए गए, लेकिन नाविकों का विद्रोह 1946 में विदेशी सरकार के लिए बहुत गंभीर मुद्दा बन गया। स्वतंत्रता संग्राम के बढ़ते प्रभाव ने नाविकों को अनुशासन में रहने का अपना मूल मंत्र तोड़ने को मजबूर कर दिया, क्योंकि भारतीय नाविक जो थे वो भी किसी ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में काम करना नहीं चाहते थे। अब राख के नीचे जो चिंगारी होती है वो दबी रहती है,
अगर आप हल्की सी हवा मारोगे तो आग तो लगनी लगनी है। भले अंग्रेजी हुकूमत ने वेतन बढ़ा दिया, लेकिन अब नाविकों को भी आज़ादी की ही मांग थी, वो अंग्रेजी हुकूमत के अंडर में काम नहीं करना चाहते थे। तो ये बताते हैं कि मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया, जिसकी चित्र आप लोग को स्क्रीन पर नज़र आ रही है, और ताजमहल होटल के निकट स्थित रॉयल नेवी के कोस्टल ब्रांच में तैनात नाविकों ने अपने अंग्रेज अफसरों को उनके कमरे और शौचालयों में बंद कर दिया। और ऐसी घटना भारत के और भी कुछ हिस्सों में, जो कोस्टल एरिया थे जहाँ पर इंडियन रॉयल नेवी की शिप थी, वहाँ पर भी पाया गया कि भारतीय नाविकों ने अंग्रेजी अफसरों को उनके कमरे में और शौचालयों में बंद कर दिया और उनके जितने भी हथियार थे उनको कब्जे में ले लिया। सबके हाथ हथियार लग गया, बावर्ची, सफाई कर्मचारी, खाना परोसने वाले और यहाँ तक कि सैनिक बैंड के सदस्यों ने भी हथियार लूट लिए, या कह सकते हैं हथियार उठा लिए कि अब हमें आज़ादी चाहिए। ये बताते हैं कि विद्रोह ने इतना गंभीर रूप धारण कर लिया कि नाविक चेन्नई से कराची तक विद्रोह पर उतर गए। मतलब कह सकते हैं आज का जो पाकिस्तान है, चेन्नई से लेकर पूरे के पूरे कराची तक हर जगह जो भारतीय नाविक थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया अंग्रेजी हुकूमत का अपने तरीके से। आगे ये बताते हैं कि मुंबई के केंट्रल ब्रांचेस को मराठा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने घेर लिया था और कई घंटों तक विद्रोही नाविकों और उनके बीच फायरिंग चलती रही। सिंपल सी बात है, अब अंग्रेजों को जब ये पता चला कि भारतीय नाविकों ने उनके शिप पर कब्जा कर लिया है, उनके क्या अपने खुद के शिप पर अंग्रेजी अफसरों को बंदी बनाकर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने अपनी एक टुकड़ी भेजी उस शिप को चुढ़ाने के लिए। अब उधर से भी गोली चले और इधर से भी गोली चले, मगर जैसा कि आप लोग जानते हैं ये सब कुछ हो रहा था, मगर एक इंसान जिनका नाम महात्मा गांधी था, जो कि नॉन वायलेंस के बहुत बड़े पुजारी थे, उन्होंने इस घटना का विद्रोह किया। मतलब उन्होंने रॉयल इंडियन नेवी के जो अफसर थे, जो नाविक थे, उनका विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ इसमें नहीं हैं। और इसके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस चीज़ का विद्रोह किया। मतलब कि हमारे देश के नाविक जो हमारे देश के लिए लड़ रहे थे, हमारे जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने उनका साथ देने से मना कर दिया और ये जो रॉयल इंडियन नेवी मिचनी थी ये यहीं पर ख़त्म हो गई। आज भी भारत के इतिहास के, अगर आप भारत का इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो कहीं पर भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इसको इतना तवज्जो नहीं दिया गया है, मगर मुझे ये लगा कि मुझे आप तक ये बात पहुंचानी चाहिए थी कि बहुत सारे ऐसे घटना भी हमारे देश में हुई जो छोटी मोटी थी, लेकिन छोटी छोटी कहते हैं ना कि छोटी छोटी लहरों को मिलाकर ही एक बड़ी लहर बनती है, तो इन छोटी छोटी लहरों को, इन छोटी छोटी घटनाओं को, जिसको हमारा देश भूल चुका है, मैं बस अपने माध्यम से उसे याद कराना चाहता था। तो उम्मीद है अब आप लोग के समझ में आया होगा कि रॉयल इंडियन नेवी मिचनी क्या थी। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को।